मेरा बेटा जब भी यात्रा में जाता है एक बार का खाना घर से ही लेकर जाता है। आज जब मैंने घर में देखा कि सब्जियां बहुत ही कम पड़ी थी तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करूंगी जो ठंडी होने के बाद भी बहुत ही स्वादिष्ट लगे और जल्दी खराब भी न हो। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन लिया है और पैन में 1.5 कप जितना पानी डाल देते हैं। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो कोई भी कप का नाप सेट कर सकते हैं, उसी कप के नाप से आपको दूसरी चीजें भी लेनी है। गैस को हम चालू कर देते हैं। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना घी या तेल डाल सकते हैं। अभी इसके उबाल का वेट करते हैं। अभी पानी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में आंच को हमें धीरे कर लेना है और यहाँ पर मैंने 1 कप जितना चावल का आटा लिया है। 1.5 कप हमने पानी लिया था और 1 कप चावल का आटा लिया है। मेजरमेंट का आप बराबर ध्यान रखें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच को इस समय तेज नहीं रखें। जिस कप के नाप से आपने चावल का आटा लिया है उसी कप का 1.5 गुना हमें पानी लेना है तो आपके घर में रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। एक बार फिर बता देती हूँ, आंच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में रखना, तेज आंच में नहीं करें। आटा आप देख पा रहे हैं पूरा इकट्ठा हो गया है। पानी का नाप इसमें एकदम परफेक्ट है और पूरी कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है। पर इतना ही हमें पका करके तैयार करना है। ज़्यादा पकाएंगे तो आटा फिर कड़क हो जाएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक साइड में यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में इसमें मूंगफली डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितनी मूंगफली ली है, ये कच्ची वाली मूंगफली है। यदि आपके पास पकी हुई मूंगफली हो तो इस समय नहीं डालना है, वो आपको बाद में डालना है। इस मूंगफली को हम हल्का सा भून लेंगे। आंच को हम मध्यम कर लेंगे, ये ज़्यादा तेज आंच में नहीं करें। मूंगफली एक जैसी भुन के तैयार होनी चाहिए। जैसे ही एक मूंगफली चटकने लगे, आप देख पा रहे हैं चटकने की आवाज़ आने लग गई है, तो इसमें 3 मैंने हरी मिर्ची ली जिसको रफली काट लिया है। ये बड़ा बड़ा काट के ही डालना है। आंच को इस समय धीरे कर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 15-20 कलियां मैंने लहसुन की ली है, ये इसमें डाल देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है घर के अंदर सब्जियां नहीं लाई होती है, उस समय ये बना करके तैयार कर सकते हैं। और मेरे बेटे ने अभी अभी मुझे बताया था कि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो मैं क्यों फटाफट सब्जी नहीं लाई हुई, ये सब्जी बना देती हूँ तो जल्दी खराब भी नहीं होगी और ठंडी होने के बाद भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया जिसको रफली काट लिया है। ये धीरे धीरे आंच में ही पका है जिससे कि ज़्यादा अच्छा पकेगा। और 10-15 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर भी इसमें अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं। जीरा भी इसी के साथ में पक जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो भी सामग्री इसमें डाल रहे हैं वो सभी आपके पास मिल जाएगी। किसी भी मौसम में आप ये सब्जी बना सकते हैं। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितने हींग डाल देते हैं। बीच में इस तरह से होल कर लें और हींग को डाल दें जिससे हींग जले नहीं, हींग के जल्दी पक जाएगी। सबसे पहले आप हींग डाल देंगे तो ये हींग जलने लग जाएगी क्योंकि इसमें हमने कोई तरह का पानी वगैरह नहीं डालना। धीरे धीरे हाथ में आप देख पा रहे हैं मिर्ची भी बहुत ही अच्छी पक गई है और सभी चीज़ों का हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। जीरा भी अच्छे से पक गया है। अभी यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काटा है, ये इसमें डाल देते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो प्याज तो सभी के घर में आराम से मिल जाते हैं, इसलिए ये रेसिपी ऐसी है आपके घर में चाहे कोई भी सब्जी लाई हुई नहीं हो दाल के पास में बना करके खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसका ये फायदा है कि आप बना करके फ्रिज पर रखने के तो 2-3 दिन में खराब नहीं होती है और यात्रा में लेके जाते हैं तो और भी अच्छी लगती है। अभी प्याज को मैंने हल्का सा पका लिया है तो इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं और 1 टीस्पून नमक इसमें परफेक्ट रहता है। इस समय नमक डालने से प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और सभी जगह नमक अच्छे से लग जाता है। नमक डालते ही आप देख पा रहे हैं प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं और हल्के ट्रांसलूशन दिखने लगते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख लेंगे। इस तरह से फैला करके ठंडा करने, ठंडा करने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें गरम गरम नहीं पीसें। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया लिया है जिसको मैंने रफली काटा है। धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। आपके पास पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है। अभी ढक्कन लगा करके इसे पल्स मोड पे दरदरा पीसेंगे और एक बार खोल करके इसे मिक्स कर लेना है, ऊपर नीचे कर लेना है जिससे अच्छे से पीसेगा। आज की पूरी रेसिपी बनाने में आपको कुल मिला के 1/2 घंटा लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसको हमने दरदरा पीस के तैयार किया। कुछ इसमें बड़े पीस है, कुछ छोटे पीस है। वहीं इसका पेस्ट बना लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी इसमें 1 सामग्री डालना बाकी है। इसकी खुशबू इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। जिसको भूख नहीं लगी होगी वो भी आराम से बैठ के खा लेगा। ऐसा बना करके आप यात्रा में ले जाएंगे तो 2-3 दिन भी खराब नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला।
अभी लास्ट में इसमें हम एक नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस के कारण इसमें हल्की खटाई आ जाएगी। इसी के साथ नींबू का रस है प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, ये इसमें जरूर डालें और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बेहद स्वादिष्ट चटपटी यात्रा में ले जाने के लिए सब्जी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एक बार आप बना करके जरूर देखें। अभी साइड में ये आटा भी ठंडा हो गया है, हल्का गुनगुना गर्म है। अभी इसको हम परात में डाल देते हैं, ये पूरा आटा आराम से निकल जाएगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं और इसको एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। आटा काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे से गूंदा जाएगा। पानी का रेशियो यदि आप परफेक्ट रखेंगे तो आटा इसी तरह से सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अभी इसमें से एक लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से हमने लोई को तोड़ लिया। अभी यहाँ पर मैंने चकला लिया है और लोई के ऊपर थोड़ा सा हम आटा लगा देते हैं। आप चावल का आटा लगा सकते हैं, गेहूं का आटा लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। चावल का आटा से भी अच्छे से मिला जाएगा। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आप देख पा रहे रोटी कितनी ईजिली बेली जा रही है और एकदम पतली बेली जा रही है। अभी एकदम गोल बन के तैयार हो तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, तो इसे हम काट लेते हैं। इसे गोल दिखने में सुंदर लगेगी। इसके साइड में जो है उसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। अभी साइड में हमारे तवा भी गर्म हो गया है, तो रोटी को तवे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही रोटी सिकेगी ऊपर से सूखी सूखी दिखने लग जाती है। चावल की रोटी भी आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अभी रोटी देख के आराम से घूमने लग गई है, ऊपर से सूखी दिखने लग गई है। अभी इसको पलट देते हैं। रोटी को बहुत ज़्यादा तेज आँच में नहीं सेकना है, मध्यम आँच में सेक करके तैयार करना है। अभी इसको पलट कर देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे रोटी अच्छे से सिक गई है। अभी इसको इस तरह से हम कपड़े से करेंगे तो रोटी फूल जाएगी। जैसे गेहूं की रोटी फूलती है उसी तरह से ये रोटी भी फूल जाती है। देखिए आराम से रोटी फूल गई है, फूली फूली बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनती है। भी आप देख पा रहे इधर से बच्ची सिक गई है, इसको अभी हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, जिससे क्या खाने में स्वादिष्ट लगे। ये लगाना ऑप्शनल है, पर थोड़ी घी लगाते हैं तो रोटी स्वादिष्ट लगती है। तो आप देख पा रहे लुक इसका कितना सुंदर है। हमारे रेशियो में एक कप चावल के आटे से 7 से 8 रोटी बन करके तैयार हो जाती है। अब इन रोटियों को हम टिफिन में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम टिफिन में सब्जी डाल देंगे। आप इसे सब्जी भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं, पर खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हम जब भी यात्रा में जाते हैं तो इस तरह से ये जरूर बना करके ले जाते हैं। अब मैं रोटी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, मलाई की तरह सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट रोटी है। इसे फोल्ड करके इस तरह से इसमें डाल देंगे। मैं अभी इस टिफिन को अपने मेरे बेटे को देने के लिए जाती हूँ, क्योंकि उसके निकलने का टाइम हो गया है। आपसे मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।